शिवराज सिंह जी पूछते रहते हैं कि कमलनाथ बताएं उन्होंने क्या किया, जनता बताएगी मुझे बनाने की जरूरत नहीं, जो चीज हुई मेरे कार्यकाल में जनता गवाह है। आज शिवराज सिंह जी को 18 साल बाद बहने याद आई, किसान याद आने लग गए, कर्मचारी याद आने लग गए, संविदा अतिथि शिक्षक सब याद आने लगे। 3,30,00,00,000 रुपए का कर्जा लिया है, इसका हुआ नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार उल हक रहमानी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे कई मुद्दों को लेकर के राजनीतिक पार्टियां जो है वो अब जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। बीते दिनों जिस ढंग से आपने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा होता है और उस दौरे के दरमियान जो भाषण उनके द्वारा दिया जाता है, सभी की नज़रें उसी पर टिकी थी। क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जनता को एक बार फिर से लुभाने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन उन सब से अलग आपको कमलनाथ के इस भाषण को सुनना चाहिए, जरूर इस बयान को जरूर सुनना चाहिए। उन्होंने विधानसभा चुनाव और कई और ऐसे जुड़ी मामलों को लेकर के क्या पक्ष रखा है। 3-6 महीने भटकता रहेगा तो आज ये बहुत बड़ी आवश्यकता, अगर ये नहीं करेंगे जैसे ही हमारी सरकार बनती है हम इसका उपाय निकालेंगे। आज पूरा प्रदेश एक बात का गवाह है, मध्य प्रदेश नहीं ये घोटाला प्रदेश, ये भ्रष्टाचार प्रदेश। आज मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। ये एक जो व्यवस्था भ्रष्टाचार की बनाई है, ये एक सिस्टम जो इन्होंने बना लिया है नीचे से लेके ऊपर तक, ये दीमक की तरह हमारे प्रदेश को प्रभावित करेगी। भ्रष्ट प्रदेश, घोटाला प्रदेश, 250 घोटाले रोज आप सुनते हैं, कोई ना कोई घोटाला, भर्ती में घोटाला, हर चीज में घोटाला, ये आज मध्य प्रदेश की पहचान है। तो इस पहचान से क्या कोई निवेश आएगा अपने यहाँ? निवेश तो विश्वास से आता है, कोई भ्रष्ट प्रदेश में निवेश नहीं लगा रहा। मैं मुख्यमंत्री था, मुझे उद्योगपति कहते थे ये इतना भ्रष्टाचार है यहाँ, हमारे लिए तो अच्छा है क्योंकि मध्य प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है, हमें जो सामान केरल और तमिलनाडु में बेचना है हमें पंजाब और हरियाणा में उद्योग लगाना पड़ता है, मध्य प्रदेश में विश्वास नहीं। सबसे बड़ी चुनौती हमारे प्रदेश की बेरोजगारी, आज के नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आज के नौजवान एक तरफ है वो व्यवसाय का मौका ढूंढ रहा है, अपने हाथों को काम ढूंढ रहा है, जिसने पढ़ लिख लिया जो MBA हो गया इंजीनियर बन गया वो ना शहर का रहा ना गाँव का रहा, ये आज हालत है। तो मैं मानता हूं कि अपने प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों के भविष्य की है, यही नौजवान जो मध्य प्रदेश का भविष्य भी निर्माण करेंगे। अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का, ये आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है। आज कृषि क्षेत्र की बहुत बड़ी चुनौती है, किसान हमने तो 27,000 किसानों का कर्जा माफ किया, यहाँ नीमच छोटा जिला है 50,000 किसानों का कर्जा माफ किया पहली किस्त में, ये नहीं कि खाली डिफॉल्टर का चालू खाते माफ, और ये आज किसान गवाह है। शिवराज सिंह जी पूछते रहते हैं कि कमलनाथ बताएं उन्होंने क्या किया, जनता बताएगी मुझे बनाने की जरूरत नहीं, जो चीज हुई मेरे कार्यकाल में जनता गवाह है। आज शिवराज सिंह जी को 18 साल बाद बहने याद आई,
किसान याद आने लग गए, कर्मचारी याद आने लग गए, संविदा अतिथि शिक्षक सब याद आने लग गए। 3,30,00,00,000 रुपए का कर्जा लिया है, इसका हुआ इसका हिसाब तो दे मध्य प्रदेश की जनता को दे कि ये कर्जा जो है मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति पर है। बड़े बड़े ठेके दिए पिछले 6-8-10 महीनों में ताकि ये कमीशन निकाल जाए, इतना समेट सके समेट, ये हालात है। और आज जब इनको 18 साल बाद ये सब बातें याद आई हैं, इनके चुनाव है, शिवराज सिंह सोचते हैं कि जनता को वह खरीद लेगी। मुझे मध्य प्रदेश की जनता पर पूरा विश्वास है, ये चुनाव केवल किसी उम्मीदवार का नहीं है, केवल किसी पार्टी का नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है और मध्य प्रदेश के मतदाता अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे। दित्ते जूते चप्पल छाता बांध ले, जनता जानती है और जूते चप्पल से क्या लेना। तो ये जितना प्रलोभन दे दें, मैं तो सबसे कहता हूँ जो शिवराज दे लो पर भविष्य सुरक्षित रहना। इनकी कलाकारी में बताइएगा, ये सब चुनाव चुनावी स्टंट है और मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता इसे समझ रही है। चलिए अब आप कोई पूछना चाहें। सर, चुनाव में शहरी उम्मीदवार या बाहरी उम्मीदवार का मुद्दा बहुत ज्यादा चल रहा है, जिले में क्या कहेंगे बाहरी उम्मीदवार? देखिए, ये हमारा नीति है कि क्षेत्रीय लोगों को भी चुनाव अटेंड किया जाए, कोई बाहर से आए दूसरे जिले से आ जाए। ये तो मैं भुगतता हूँ सबसे पहले कि मैं छिंदवाड़ा का वोटर नहीं, मैं सौंसर का वोटर हूँ, मेरा गांव सौंसर में आता है। पर मैंने कहा सौंसर वाले मुझे कहते हैं आप क्यों छिंदवाड़ा से आ रहे हैं, मैंने कहा कोई जानता नहीं है सौंसर कहाँ है, सब सोचेंगे मैं छिंदवाड़ा से बात करें। मुझे नहीं लगता, मैं तो सब बहनों को कहता हूँ जितना दे लो जितने दे लो, पर याद रखो कि ये इनको आखिरी 4 महीने में आपकी याद आएगी। सर, एक देश एक चुनाव के बारे में आपने कह रहा है, एक देश एक चुनाव, इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता है, राज्यों की स्वीकृति है, ये हमारे संविधान में इसका संशोधन करना है। ये केवल लोकसभा राज्यसभा की बात नहीं है, इसके लिए मैं खत्म कर दूँ। ये केवल संविधान में संशोधन राज्यसभा और लोकसभा में हो जाए उससे संभव नहीं है, राज्यों को भी स्वीकृति देनी पड़ेगी। पर जो राज्य बीजेपी के हैं वो वहाँ अपनी विधानसभा बंद कर सकते, जैसे कि हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये इनकी सरकार, वो तो एक लाइन का उनको कैबिनेट में प्रस्ताव पास करना है कि विधानसभा बंद करो, बंद हो जाए। अब ये तय करेंगे कि लोकसभा ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथ साथ लोकसभा चुनाव कराना चाहते हैं और कौन कौन से और दूसरे राज्य कराना चाहते हैं। पर पूरे प्रदेश में आप किसी विधानसभा का पीरियड काट दीजिए, बंगाल में आप कैसे काट लो, ऐसे तो ना हो जाएगा। देखिए घोटालों की जो कमी है, ये घोटाला प्रदेश है, अभी तो देखते जाइए अगले 3 महीनों में और पर चीजों की, वो चिट्ठियां देख रहे हैं, लोग लिख रहे हैं, कोई आत्महत्या करने के लिए सीएम हाउस के सामने बैठा है, ये सब तो आप गवाह हैं, ये आप देख रहे हैं। देखिए हमारी सरकार 15 महीने की थी, जिसमें से 2.5 महीने लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गया, सब चीज़ें नहीं हो सकती। क्या घोटाले बात को आपकी सरकार करती है? हम इसमें जो करना है प्रदेश के हित में, जो न्याय हमारी सरकार बने, जो आवश्यक बनेगी,
हम इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। कमला नीमच की अहम समस्या बंगला बगीचा है, भाजपा की सरकार 20 साल रही, कांग्रेस की 15 महीने आई, लेकिन उसको से चुनावी एक झुंझुना बनाकर जनता के बीच रखा जा रहा है। देखिए मैंने कहा हमारी सरकार 11.5 महीने की, सही बात भी है, हमने कोई ऐसा झुंझुनू वाला काम नहीं किया, हमने एक व्यवस्था बदलने का प्रयास किया। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी, जो IAS IPS ऑफिसर बना उसने 15 साल में केवल बीजेपी देखी थी, तो सबसे पहले अपने प्रदेश। तो आपने सुना दर्शकों, दरअसल कमलनाथ और कई ऐसे बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जीत को सुनिश्चित करना चाहते हैं। अब जनता किस पर मोहर लगाएगी देखना होगा। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ के साथ।